Hey guys, welcome back to our YouTube channel Step Up Unlocking. आज हम वापस आए अपने एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो डेडिकेटेड है फिटनेस लवर्स के लिए और हर उस इंसान के लिए जो जिम और अपने ट्रेनिंग सेशंस को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। हमारी इस वीडियो में आपको आज बहुत ज्यादा बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि आपके फिटनेस जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो के एंड तक बने रहें और इस वीडियो को स्किप ना करें। तो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे फुटवेयर का हमारे वर्कआउट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो उस फुटवेयर को सिलेक्शन के टाइम पे हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन से ऐसे की एलिमेंट्स हैं जो हमें अपने फुटवेयर में देखने चाहिए, तो आज मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो आज हम अपना शू लेके आए हैं एडिडास का ड्रॉप सेट 2 ट्रेनर। ये एडिडास का अभी वन ऑफ द लेटेस्ट शू है जो कि अभी रिसेंटली आई थिंक 15-20 दिन पहले मतलब दिसंबर 2023 में लॉन्च हुआ है। तो आज हम उस शू को लेके आए हैं। तो इस शू के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस शू में कौन से ऐसे की एलिमेंट्स हैं जिसने इस शू को ग्लोबली टॉप 5 ट्रेनिंग शूज के अंदर लेके आया है। तो इस शू का अभी भी रिव्यू हो जाएगा और साथ ही साथ मैं आपको हर वो पॉइंट बताऊंगा जो आपको अपने शू परचेज करते टाइम ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट वन, कुछ नहीं। मैंने जिम में बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो रनिंग शूज को पहन के जिम में वर्कआउट करते हैं, स्पेशली जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं बैक की या लेग्स की। तो एक हमें ये पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारा ट्रेनिंग शू है उसमें कुशनिंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपका हाई कुशन शू होता है तो जब हम डेडलिफ्ट कर रहे हैं या हम स्क्वाट्स कर रहे हैं तो जिस टाइम पे हम वेट उठाते हैं तो हमारा मूवमेंट जो है कुशनिंग की वजह से हमारा बॉडी पोस्चर सही नहीं होता है और वो आपके फर्स्ट थिंग आपके नीज पे इंपैक्ट डालता है, सेकंड आपके बैक पे इंजरी आती है जो कि एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग योर ट्रेनिंग शू आपको ध्यान रखना है ये वाला जो पार्ट है विच इज मिड सोल, आपको इस पे ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा कुशन ना हो, इसमें स्टेबल कुशनिंग होनी बहुत जरूरी है। मतलब आप इसको जब हाथ से प्रेस कर रहे हैं तो यू कैन फील कि हाँ ये थोड़ा सा हार्ड है। और जब हम बात करते हैं ड्रॉप सेट 2 की, आप इसमें देखेंगे यहाँ पे ड्यूअल डेंसिटी सोल इन्होंने मिड सोल यूज किया हुआ है। इसकी खास बात यह है कि आपको कुशनिंग तो दे रहे हैं बट वो कुशनिंग बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और वो एट द टाइम ऑफ वर्कआउट आपकी बॉडी को एक जगह पे स्टेबल करके रखती है। पॉइंट 2, मिडफुट सपोर्ट। जैसे कि आप इस शू में देख सकते हैं कि ये शू में यहाँ पे TPU वॉल दे रखी है, एक ये मीडियल साइड में है एक लेटरल साइड में है। ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, ये आपको रनिंग शू में कभी भी नहीं मिलेगा। रनिंग शू हमेशा यहाँ से फ्लैट होते हैं तो ये सपोर्ट आपको इसलिए दिया गया है कि आपका जो मिडफुट होता है, मिडफुट मीन्स जो हमारा आर्च वाला एरिया होता है, जो आप देखोगे हमारे पैर में एक आर्च होता है, ये वहां पे आपको सपोर्ट देके रखता है सो दैट जब आप हैवी वेट्स लिफ्ट कर रहे हैं तो हैवी वेट लिफ्ट करके जब आप वापस उठ रहे हो तो आपके आर्च पे प्रेशर ना आए और आपका पैर स्टेबल रहे। तो अलोंग विद द वो कुशनिंग वाला सिस्टम ये जो मिडफुट सपोर्ट है ये आपके पैरों को स्टेबिलिटी देता है और आपकी इंजरी को बिल्कुल खत्म करता है। पॉइंट नंबर 3, अपर। जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग शूज के अपर की तो आपने देखा होगा जिम में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके शू का अपर पूरा का पूरा सिंथेटिक होता है। फॉर एग्जांपल वो एक स्नीकर पहन के आ जाते हैं जिसमें ब्रीदेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। जब हम बात करते हैं ड्रॉप सेट 2 ट्रेनर की, इसमें आप देखोगे इसका मैश जो है हाईली ब्रीदेबल है। ब्रीदेबिलिटी के लिए इन्होंने पूरे के पूरे पॉइंटर्स दे रखे हैं, यहाँ पे ब्रीदेबल पॉइंट्स हैं बट एट द सेम टाइम इन्होंने TPU ओवरलेस दे रखा है। ये आप देखोगे पूरा टो बॉक्स है, वैम्प एरिया है, इन्होंने TPU ओवरलेस दे रखा है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हम जिम में चल रहे होते हैं जिम में बहुत सारे इक्विपमेंट्स इस तरीके के होते हैं, वहां पे हमारा पैर हिट करता है और हमारे पैरों में इंजरी के चांसेस ज्यादा है। शू तो हम नया भी खरीद सकते हैं भाई साहब, पैर लेने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पॉइंट 4, लेसिंग सिस्टम। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके जो जिम वाले शूज होते हैं उसमें लेसिंग सिस्टम बहुत ज्यादा फैंसी होता है, मतलब वो क्रिस क्रॉस करके पहन रखे हैं। लेकिन जो मेरे को लगता है और जो स्टैंडर्ड भी है, आपका लेसिंग सिस्टम जो एक रेगुलर वाले शू में होता है वो होना चाहिए सो दैट आपका जो मिडफुट वाला एरिया है यहाँ से आपको साइड में जो TPU वॉल थी उसने सपोर्ट तो दे दिया बट जो लेसिंग सिस्टम है वो आपको एक बहुत ही अच्छा मिडफुट लॉक प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ज्यादा फैंसी वाला ना हो, स्टैंडर्ड वाला हो चलेगा आपका। जैसे कि आप इस शू में भी देख सकते हैं कि एक बेसिक लेसिंग स्टाइल दे रखा है जो आपके मिडफुट को बहुत अच्छा लॉक प्रोवाइड कराता है। पॉइंट 5, शू कॉलर। यूजुअली आप देखोगे कि कई सारे लोगों के शूज जो होते हैं वो इस वाले एरिया से, जो शू कॉलर वाला एरिया होता है वहां से लूज होता है, मतलब उनका यहाँ जो शू कॉलर का जो फॉर्म होता है वो दबा हुआ होता है और उसकी वजह से उनका पैरों की मूवमेंट इधर उधर रहती है। मेक श्योर कि जब भी आप अपना ट्रेनिंग शू परचेज करें तो आपका शू कॉलर जो है बहुत अच्छा हो, आपके पैरों में वो स्नग फिट प्रोवाइड करे सो दैट आपके पैरों को एक एडिशनल कंफर्ट और एडिशनल सपोर्ट आपको शू कॉलर वाले एरिया से मिले। पॉइंट 6, आउटसोल।
जब हम बात करते हैं एक रनिंग शू के आउटसोल की, तो रनिंग शू का आउटसोल जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि फॉरवर्ड मूवमेंट में आपको हेल्पफुल हो। आप उसका ग्रिप सिस्टम देखेंगे तो मोस्टली उसका ग्रिप सिस्टम आपको मिलेगा हेरिंग बोन पैटर्न में, जो कि आपको फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग शूज की, तो ट्रेनिंग शूज का जो आउटसोल होता है उसमें आप हमेशा देखोगे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलेगी, बट फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज में होता है इसमें आपको अच्छा ट्रैक्शन, विच मींस कि आपको बहुत अच्छा ग्रिप मिलना जरूरी है जहां पे आपने फुट लैंड किया है, जहां पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपका पैर वहां से स्लाइड ना हो, सो दैट जब हम वर्कआउट कर रहे हैं हमने वेट उठाया है तो मैं वेट के साथ साथ आगे या पीछे ना जाऊं, वहां पे आपको एक हेल्पफुल होता है। उसी के साथ साथ आप देखोगे जब हम ड्रॉप सेट की बात करते हैं तो इसका आउटसोल नॉन मार्किंग है। नॉन मार्किंग आप सोच रहे होंगे कि नॉन मार्किंग हमारे ट्रेनिंग शूज में क्या काम है। नॉन मार्किंग का काम आता है स्पेशली जब आप देखोगे हमारा डेडलिफ्ट वाला एरिया होता है, आपने देखा होगा मोस्टली वहां पे वुडन फ्लोरिंग होती है, तो वुडन फ्लोरिंग में क्या होता है जब हमारा नॉर्मल शू है वो मार्क्स छोड़ता है, लेकिन नॉन मार्किंग शू है आपका डेडलिफ्ट एरिया में भी कोई मार्क नहीं छोड़ेगा और एक बहुत अच्छी ग्रिप और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल रहता है, आपके पैरों को सेफ्टी, आपकी बॉडी को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। पॉइंट सेवन ऑफसेट, ये वर्ड बहुत ज्यादा टेक्निकल साउंड कर रहा होगा बट इसका मैं बहुत आपको इजी वे बता देता हूँ। ऑफसेट क्या होता है, हील हाइट माइनस में आपका 4 फुट हाइट। 10 mm का ऑफसेट आपको फॉरवर्ड पुश करता है, मतलब आप आगे की साइड ऑटोमेटिकली जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग शूज की तो इसमें हमारा फोकस होना चाहिए कि हम ऑटोमेटिकली आगे ना जाए। तो इसमें अगर बात करते हैं हम ड्रॉप सेट 2 ट्रेनर की, इसका ऑफसेट 6 mm का है। इसमें क्या, जब आप वर्कआउट कर रहे हैं आपने वेट लिया, आप खड़े हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको शू आगे की साइड पुश नहीं करेगा अंटिल और अनलेस आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये थे कुछ मेजर पॉइंटर्स जो मेरे को लगता है कि आपको एक ट्रेनिंग शू परचेज करते टाइम पे ध्यान रखने की जरूरत है। इस शू में एक एडिशनल फीचर देखा जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो है इसका एयर फ्लो विंडो। जब इसके मैं मिडसोल की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक एरिया दे रखा है ब्रीदेबिलिटी के लिए, सो दैट आपके पैरों में एक एडिशनल ब्रीदेबिलिटी हो, बहुत अच्छा है। अगर इसको क्लोज लुक में आप देखेंगे तो आपके पैरों को अच्छी ब्रीदेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ये एक एड ऑन बेनिफिट है। आई एम 100% श्योर कि ये सारी चीजें ही हैं जिससे इस शू को टॉप 5 वर्ल्ड वाइड लेके आया है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करते हैं शू के प्राइस की, तो इस शू का प्राइस है 12,999, यानी कि 13,000 का ये शू है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये इसका ओवर प्राइस है, बट गाइस मेरे को लगता है कि हमारी बॉडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं है। अगर आप 13,000 रुपए एक शू में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी वो इंजरी को बचा रहे हैं जिसमें आपका लाखों रुपया खर्चा हो रहा है, तो एक ये बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और ये बहुत ड्यूरेबल शूज होते हैं। आपने एक बार परचेज कर लिया, बोर हो जाते हो तभी छोड़ते हैं, इन शूज में कुछ भी नहीं होता है। तो गाइस ये थी मेरी साइड से छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मेरे को लगता था कि मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो अपना प्यार वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हमें दिखाएं। अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, सो दैट मैं उसको नेक्स्ट टाइम अपनी अगली वीडियो में कवर करूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं।